दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब फेसबुक पर बर्थडे को चेंज करते रहते हैं या फिर एक दो तीन बार कर लेते हैं तो वहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आपकी लिमिट क्रॉस भी हो चुकी है फिर भी आप अपने बर्थडे को चेंज कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप बर्थडे को चेंज कर सकते हो लिमिट क्रॉस होने के बाद भी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पर आप क्या करना है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूँगा जो कि फेसबुक के हेल्प सेंटर का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है, सिंपली यहाँ वीडियो प्ले हो रहा है, वीडियो के साइड में एक एरो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है FB डेट ऑफ बर्थ चेंज लिंक, ऐसा करके लिखा है। उसके बाद एक लिंक दिया है ब्लू कलर का, उस लिंक पे आपको क्लिक करने कर लेना है, उसको क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। अब उस लिंक को आप ओपन कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है चलिए हम बात कर लेते हैं। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बोलेगा कि लॉगिन, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी है वो डाल के आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। अब लॉगिन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास ऐसा पेज आएगा। तो देखिए इस पेज में लिखा हुआ आता है रिक्वेस्ट बर्थडे चेंज, मतलब आपका जो रियल बर्थडे है वो आप चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर ईयर जो ऑप्शन है, आपका जो ईयर है, आपका जो रियल बर्थडे है वो आप चेंज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपना ईयर डालना है बर्थडे का, तो यहाँ पर बर्थडे का ईयर डाला। उसके बाद यहाँ पर मंथ डालना है, मंथ सेलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डे, तो यहाँ पर हम डे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर रीजन फॉर दिस चेंज, आपको यहाँ पर एक रीजन देना होगा कि आप किस लिए इसको चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे आप प्लीज सेलेक्ट, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे रीजन आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो दिस इज माई रियल बर्थडे, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दिस इज माई चाइल्ड्स बर्थडे, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दिस इज माई रियल बर्थडे। उसके बाद सिंपली आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेंड पे दोस्तों क्लिक करोगे, उसके बाद फेसबुक के तरफ आपकी जो वो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी, और इसमें आपको 24 से 48 घंटे या फिर इससे ज़्यादा भी आपको टाइम इसमें लग सकता है चेंज होने में। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने बर्थडे को चेंज कर सकते हो फेसबुक पे लिमिट क्रॉस होने के बाद भी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।